देसी कट्टे के साथ धराया कुख्यात बदमाश, दो जिंदा कारतूस भी जब्त। तहसील पुलिस ने दिमागदार कार्रवाई करते हुए दो जिंदा कारतूस और देसी कट्टे के साथ कुख्यात आरोपी मोहम्मद फैयाज को गिरफ्तार कर लिया। तहसील पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद फैयाज वर्ल्ड मोहम्मद नियाज हाथ में देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। पुलिस ने तुरंत जल बिछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद फैयाज से एक देसी कट्टे के साथ दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। कल रात को हमें गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद फैयाज वर्ल्ड मोहम्मद नियाज उम्र 21 साल एक गुनेगार कुछ सस्पेक्टेड आर्म्स लेके घूम रहा है। ये इन्फॉर्मेशन को हमने वेरीफाई करके हमारे अधीनस्थ एपीआई संदीप बाबुल, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सेंडे, किशोर गरवाले इनको उस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए भेजा। तब रात को करीब 1:30 बजे के दरमियान मोमिनपुरा स्थित फुटबॉल ग्राउंड में मोहम्मद फैयाज जो कि वो पुराना क्रिमिनल है, पूरे स्टाफ उसको पहचानता था, उसको धर दबोच लिए। तब उसके कमर के अंदर एक पीतल की देसी बनावटी की पिस्तौल कीमत 15,000 रुपये और दो लाइव कारतूस उसके पास मिले 2,000 के। इसलिए उनको पंटे के सामने हिरासत में लेके पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फैयाज और मोहम्मद नियाज उम्र 21 साल गरीब नवाज मस्जिद मोमिनपुरा इसके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 542 अपडेट 2021 धारा 3725 आर्म्याक्ट ये गुना दाखिल करके विद्यमान कोर्ट में उनको आज उठा करके उनका पिछड़ प्राप्त किया। जबकि आरोपी मोहम्मद फैयाज रेखा का गुनहगार है, उसके ऊपर इससे पहले हत्या लंबी कुटापद के 5-6 गुने दाखिल है। इसलिए उन्होंने पिस्तौल किसके काम के लिए लाए थे, कहां से लाए थे, इसका अभी तपास किसी आगे चलेगा।